सुनीता विलियम्स, इनके बारे में कौन नहीं जानता, जो कि अमेरिकी भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। इसी के साथ ही वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी ऑफिसर भी रह चुकी हैं। ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में जाकर 195 दिन स्पेस में रहने का खिताब भी हासिल कर चुकी हैं और इसी के साथ ही ये अंतरिक्ष में 7 बार ट्रैवल कर चुकी हैं और सुनीता विलियम्स ऐसा करने वाली पहली महिला भी बन चुकी है। भारत के बच्चे बच्चे के मुंह पर सुनीता विलियम्स का नाम रहता है और भारतीय मूल के होने के नाते पूरा भारत सुनीता विलियम्स पर गर्व करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनीता विलियम्स की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें और इनका भारत से क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता पांड्या विलियम्स है और इनका जन्म अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड सिटी में 19 सितंबर 1965 में हुआ था और इनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और इनकी माँ यूर्सलिन बॉनी पांड्या अमेरिकन सिटीजन है और इनका संबंध स्लोवेनिया से है। जब सुनीता विलियम्स 1 साल की ही थी तब उनके पिता अहमदाबाद से अमेरिका के वेस्टर्न जाकर बस गए थे। सुनीता विलियम्स अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है। इनकी बड़ी बहन डायना एना पांड्या जो कि इनसे 3 साल बड़ी है और इनके भाई जय थॉमस पांड्या जो इनसे तकरीबन 4 साल बड़े हैं। सुनीता विलियम्स ने अपनी पढ़ाई मैसाचुसेट्स के नीदम हाई स्कूल में 1983 में कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद इन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी के फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की। इसके बाद 1987 में सुनीता विलियम्स को इनकी स्टडी और काबिलियत के बल पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में कमीशन अधिकारी की पोस्ट मिल गई और नेवल कोस्टल सिस्टम कमांड में 6 महीने की टेम्पररी असाइनमेंट के बाद इन्हें बेसिक डाइविंग ऑफिसर बनाया गया और सन 1989 में इन्हें नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में भेज दिया गया जहाँ पर इन्हें नेवल एविटर के तौर पर अपॉइंट किया गया, जिसके बाद इन्होंने हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन में ट्रेनिंग ली और इसके बाद इन्हें नॉर्फोक वर्जीनिया में अपॉइंट किया गया और इसी के साथ इन्होंने भूमध्य सागर, रेड सी और पार्शियल गल्फ में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान काम किया। सितंबर 1992 में उन्हें H-46 टुकड़ी का ऑफिसर इंचार्ज बनाकर मियामी फ्लोरिडा भेजा गया। इस टुकड़ी को हरिकन एंड्रियो रिलीफ ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। सन 1993 के जनवरी महीने में सुनीता विलियम्स ने अपनी US नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में ट्रेनिंग शुरू कर दी और दिसंबर महीने में इन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया था। दिसंबर 1995 में इन्हें नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में रोटरी विंग डिपार्टमेंट में प्रशिक्षक और स्कूल सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर भेजा गया जहां पर इन्होंने UH-60, OH-6 और OH-58 जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ाया। इसके बाद जून 1998 में सुनीता विलियम्स को USS सैपान एयरक्राफ्ट पर एयरक्राफ्ट हैंडलर और द असिस्टेंट एयर बॉस के तौर पर असाइन किया गया। इसके बाद अगस्त 1998 ये वो समय था जब सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में जाने की पहली शुरुआत होने वाली थी। दरअसल नासा ने सुनीता विलियम्स को एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया और इनकी ट्रेनिंग जॉनसन स्पेस सेंटर में शुरू हो गई थी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान 9 दिसंबर 2006 में डिस्कवरी स्पेस शटल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भरी थी जहाँ पर उन्हें एक्सपेडिशन 14 दल में शामिल होना था, लेकिन 2007 में रूस के एस्ट्रोनॉट्स बदले गए जिससे कि यह एक्सपेडिशन 15 हो गया। और दोस्तों, क्या आप जानते हो सुनीता विलियम्स गणेश भगवान को भी काफी ज्यादा मानती है? ऐसे में सुनीता विलियम्स जब एज ए एस्ट्रोनॉट स्पेस में गई थी तो वो गणेश भगवान की छोटी मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता और कुछ समोसे भी अपने साथ ले गई थी। एक्सपेडिशन 14 और 15 के दौरान उन्होंने जनवरी 31, फरवरी 4 और फरवरी 9, 2007 को अपने 3 स्पेस वॉक को कंप्लीट किया। इसके साथ ही वो महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में 95 दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं और सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर ही है। 16 अप्रैल 2007 को सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में ही बोस्टन मैराथन में भाग लिया और उन्होंने इस मैराथन को 4 घंटे 24 मिनट में पूरा कर लिया और अंतरिक्ष में वो दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बन चुकी थी। इसके बाद वह अपने अंतरिक्ष मिशन को पूरा करके 22 जून 2007 को वो धरती पर वापस आ गई। सन 2012 में सुनीता विलियम्स एक्सपेडिशन 32 और 33 से जुड़ी।
जुड़ी। उन्हें 15 जुलाई 2012 को उन्हें बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसमें उन्होंने सोयूज TMA-09M स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद 17 सितंबर 2012 को वह एक्सपेडिशन 33 की कमांडर बनाई गई और ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला है, और सितंबर 2012 को अंतरिक्ष में ट्रैथलो करने वाली वो पहली व्यक्ति बनी। और उसके बाद 19 नवंबर 2012 को सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई। मार्च 2016 तक सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 50 घंटे और 40 मिनट के लिए 7 स्पेस वॉक किए थे। ऐसे में इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद सुनीता विलियम्स को सबसे अनुभवी अंतरिक्ष चालकों की सूची में नंबर 7 पर रखा गया है। सुनीता विलियम्स की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई, जो कि वे एयरक्राफ्ट कैरियर हैंडलर, हेलीकॉप्टर पायलट और नेवी ऑफिसर भी रह चुके हैं, और साथ ही वो स्कूबा डाइवर और यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं। सितंबर 2007 में सुनीता विलियम्स ने भारत में भी विजिट किया था, और भारत में वो साबरमती आश्रम में भी गई थी। इसके अलावा वो अपने पैतृक गाँव गुजरात के जुलासा में भी गई, जहां पर उन्हें वर्ल्ड गुजराती सोसाइटी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और सुनीता विलियम्स पहली ऐसी महिला थी जिन्हें विदेश में रहते हुए भी ऐसा कोई अवार्ड हासिल हुआ। और इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स ने और भी कई अवार्ड अपने नाम किए, जैसे कि 25 जून 2008 को सुनीता को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और वहीं 2013 में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने सुनीता विलियम्स को डॉक्टरेट की उपाधि दी, और वहीं गवर्नमेंट ऑफ द्वारा 20 मई 2013 को गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट से सम्मानित किया गया। 4 अक्टूबर 2007 को सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी एम्बेसी स्कूल में भाषण दिया, जहां पर उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई थी। सुनीता विलियम्स ने पूरी दुनिया में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि उन्हें आज के समय में पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स स्पेस में भारत का तिरंगा भी लहरा चुकी है। अगस्त 2012 को भारत के इंडिपेंडेंस डे के दिन सुनीता विलियम्स ने स्पेस में तिरंगा भी लहराया था। यह पहली बार ऐसा था जब स्पेस में भारत का तिरंगा लहराया गया हो, और ऐसा करके सुनीता विलियम्स ने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।